आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का जो ब्लॉग है हम जो है रास्ते स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे अब करने जा रहे हैं झाड़ू पोछा, क्योंकि सब लोग खाना खा चुके हैं और अब हम जो है किचन को क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले चल रहे हैं गैस को साफ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पोछा लगा देंगे ताकि सुबह जो है उठे और नहाने के बाद तुरंत जो है चाय बनाए, क्योंकि कल जो है मम्मी का व्रत, तो काफ़ी सारा काम है, आप लोग समझ सकते हैं। ये तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। पता नहीं क्या बोल रहा तो दोस्तों सबने खाना खा लिया और इसके बाद हमारी फिर से जो है किचन में ड्यूटी लग जाती है कि जैसे गैस को क्लीन करना, पोछा लगाना, सब कुछ साफ़ सफाई करना। इसे करने के बाद जो है मैं सोती हूँ और सब लोग तो खाना खा के सो जाते हैं, तो हमने गैस को भी साफ़ कर लिया और इसके बाद हमने पोछा भी लगा लिया। तो क्योंकि इसलिए लगा लेते हैं ना रात के समय ताकि मुझे सुबह जो है आराम रहे और उठते ही मैं ब्रश करूँ, ब्रश करने के बाद तुरंत नहा के आऊँ, चाय नाश्ता बना के सबको दे दूँ, इसलिए मैं रात को ही लगा लेती हूँ। हमने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया और आप लोगों ने देखा ही, और मैंने गैस को भी क्लीन कर दिया और इसके बाद जो है मैं इस पर डाल देती हूँ तौली। गैस पे साफ करने के बाद जो है मैं तौली डाल देती हूँ जो है। और ये देखो मेरा किचन है, ये छोटा सा किचन है, ऊपर मेरी बर्तन वाली जाली है और यहाँ पे मैं बैठ के खाना बनाती हूँ। हमने आप लोग के साथ शेयर किया था, ये मेरे गांव वाला किचन है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है और मेरे लिए ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से है और वो दरवाज़ा है बाहर जाने के लिए, और यहाँ भी हमने पर्दे लगाए हैं, ये हमारी फ्रिज है और यहाँ पे मैं ताप रही हूँ अलाव, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। झाड़ू पोछा किया, बर्तन साफ किया, फिर इसके बाद हम यहाँ हीटर पे जो है हाथ पांव सेक रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी सारे सामान आए हुए हैं, ये हमारी ननद जी हैं और ये हमारी बेटी इनके शरारत शुरू हो गई, बैलून फुला रही हैं। तो ये जो है अभी का है, और दोस्तों ये देखो ये है चॉकलेट है और ये भी चॉकलेट है और ये सारे बैलून हैं जो कि लगाए जाएंगे, पूरे घर को सजाया जाएगा और मैं आप लोग को दिखाऊंगी जब डेकोरेशन होने लगेगा, तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी, आप लोग देख लेना। इसका नाम है नेहा, मैं बोलती हूँ। ये जो है अभी का है, ये देखो। तो दोस्तों सारी तैयारियां हो चुकी हैं हमारे बेटे की बर्थडे की, और बहुत दिनों के बाद दावत भी है हमारे यहाँ, सब को खाना भी खिलाया जाएगा, सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, आप लोग देख लेना। ये सारे सामान हैं तो मैं ओपन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ओपन कर दूँगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक करके दिखाऊँगी, तो इसलिए मैं ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगे दोस्तों। आपको सारा सामान दिखा दिया और भी सामान आने वाले हैं, मैं आप लोग को थोड़ी थोड़ी देर में सब कुछ दिखाती रहूंगी और मैं अपनी ननद से भी रिकॉर्डिंग करा। तो
दोस्तों अब इसके बाद चलो आप लोगों को लेके चलते हैं छत पे। वहाँ पे सब लोग हैं, सासू माँ हैं, चाची जी हैं, सब लोग जो है साथ मिलके चावल को साफ कर रही हैं। और मैं भी थोड़ा बहुत जो है हाथ बटा देती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना तो मुझे काम नहीं करने देते। बोलते हैं तुम जाओ अब बच्चे को संभालो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तंग करने लगता है ना, इसीलिए जो है ये लोग मुझे नीचे भेज देती हैं। ये देखो इतना तेज दौड़ता है ना, जैसे लगता है कि अभी किनारे से नीचे गिर जाएगा, इसलिए मैं डर की वजह से इसे लेके नीचे आ जाती हूँ। तो गाइज आप लोगों ने देखा ना कि ऊपर जो है सभी लोग चावल को साफ कर रही हैं। अभी नींद आ रही है, आ रही है, हाँ नींद आ रहा है बच्चा को मेरे। अरे बाप रे, भैया को मेरे नींद आ रहा है, देखो चलो सुला दे देखो सो रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। और हाँ, जो भी फंक्शन हमारे यहाँ होगा मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी, बीच बीच में आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी और आप लोगों को बताती भी रहूँगी। बच्चा मेरा अब इसको नींद आ गई है, अभी सोना चाहता है। देख लो इसकी नौटंकी देखो अभी गला पकड़ लो मेरा, देखो और आंखें बंद कर लो, अब सो जाओ इतना समझदार हो गया मेरा बच्चा। अच्छा मम्मी का गला पकड़ो, ये देखो अरे बाप रे, ये देखो अबे सो रहा है। चलो मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद, ठीक है? बाय दोस्तों, बाय कर लो तब चले। हमारे घर कौन कौन सी तैयारियां हो रही है आप लोग को, ठीक है? तो अभी के लिए चलो बाय, मिलते हैं सुबह। दोस्तों इसके बाद आप लोग देख सकते हो बर्थडे डेकोरेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आदमी लोग जो है आए हुए हैं, बैलून को सजा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है और सब लोग जो है खूब इंजॉय कर रहे हैं और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हैं। तो चलिए फिर से लगाते हैं म्यूजिक। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ना शुरू से लास्ट तक देखना, मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये जो ब्लॉग है खास आप लोगों के लिए है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका वेट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है दावत की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। हलवाई लोग आए हुए हैं खाना बनाने के लिए, तो ये सब लोग जो है सारी तैयारियाँ अपनी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब जो है शाम हो गई है, आप लोग देख सकते हैं सब कुछ जो है तैयार हो गया है, यानी जो बर्थडे की तैयारी थी वो कंप्लीट हो गई है, देखो कुछ इस तरह से। तो कैसा लग रहा है,
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका वेट करेंगे। तो केक तो यहीं कट होगा, तो इसलिए जो है ये यहाँ पे सोफ़ा टेबल सब कुछ लगाया जा रहा है, तो बर्थडे यहीं मनाया जाएगा दोस्तों। ये देखो कुछ इस तरह से है और ऊपर लिखा हुआ भी है हैप्पी बर्थडे, तो अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम 3 दिन से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और काफ़ी सारे काम भी है ना, तो जब जब मौका मिल रहा है तब तब मैं रिकॉर्ड कर ले रही हूँ और अब जाके फाइनली ये कंप्लीट हुआ है। तो चलिए ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, उसका वेट करते रहना। बहुत ही जल्दी आराध्या फिर मुलाकात करेंगी एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।